हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ लेफ़्ट ओवर राइस की छोटी सी रेसिपी, जिसके इंग्रेडिएंट्स है सबसे पहला राइस, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, बाकी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धानवीन मॉमी। वो भी बासी चावलों से, यानी लेफ़्ट ओवर राइस से। सी, तो उसके लिए हमें जो जो सामान रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो बासी चावल ही लेफ़्ट ओवर राइस हम लेंगे। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, आप चाहो तो उसमें सोयाबीन ले सकते हो, मटर ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो, जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद है वो आप ले सकते हो, कैरेट ले सकते हो। मैंने ये सब सब्ज़ियाँ लिया है क्योंकि मुझे इतनी ही पसंद है। इसके साथ मैंने शेज़वान चटनी भी ली है क्योंकि मुझे शेज़वान चटनी पर्सनली बहुत पसंद है। ये सारी सब्ज़ियाँ पहले ही काट के रख ली है ताकि मुझे कम से कम टाइम लगे और मैं बहुत जल्दी से फ्राइड राइस बना लूँ। अपनी आज की रेसिपी है फ्राइड राइस। सो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी सरसों का तेल, अगेन पीली सरसों का तेल, माय फेवरेट, आल्सो हेल्दी। तो मैंने ये तेल लिया, इसे अच्छे से पकाऊंगी मैं कढ़ाई में बॉइलिंग हॉट होने तक। वैसे तो फ्राइड राइस में ज़ीरा नहीं डलता, बट बिकॉज वी आर इंडियन तो हम ज़ीरा ज़रूर डालते हैं हर चीज़ में, और ज़ीरा डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, तेल पूरा हॉट हो चुका है क्योंकि ये सरसों का तेल था, तो इसे अच्छे से पकाना पड़ता है। अब ये बहुत उबल चुका है, धुआं निकल रहा है इसमें से, तो अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करूँगी। पहले तो मैंने गैस लो कर ली है क्योंकि अब मैं इसमें मटर डालूँगी तो वो चटकेगी और मेरे ऊपर ना है, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर लिया है। तो ये मैंने ऐड किया छोटा सा चम्मच जीरा, अनियन, मैंने इसमें मटर, प्याज, शिमला मिर्च सब डाल दिया है। अच्छे से स्टर फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। प्याज को अच्छे से भूनना है, और अगर आपकी मटर चटक रही है तो आप प्लेट ढककर मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं। प्याज अच्छे से भुनने के बाद अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर दूंगी। प्याज अच्छे से भुन गए हैं, मैंने फ्लेम हाई कर दी है। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा धनिया मैं अभी डाल रही हूँ और बाकी मैं बनने के बाद डालूंगी। तो टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करना है मुझे। अब इसमें छोटा चम्मच, बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, एक छोटा चम्मच शेज़वान चटनी का ऐड कर रही हूँ। आपने देखा होगा कितना छोटा चम्मच है। अच्छे से इन्हें भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करूँगी। तो देखिए, मैंने नमक और मिर्च को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं अभी डालूँगी, रेस्ट मैं चावल जब डालूँगी तब डालूँगी, ताकि कहीं पे नमक ज़्यादा या कम ना हो, तो सब्ज़ियों में भी नमक अच्छे से मिल जाएगा और चावल में भी अच्छे से मिल जाएगा। बाद में मैं बाकी नमक डाल दूँगी। नमक और मिर्च को मैंने मिक्स करके डाला है, आप चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो। अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैंने दो प्याज, आधी शिमला मिर्च, दो छोटे चम्मच मटर, एक टमाटर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। जैसा कि मैंने बताया था, बीन्स, सोयाबीन आप डाल सकते हो भिगो कर 10-15 मिनट, आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में भिगोएं, निचोड़ कर आप उसे भून कर डाल सकते हो। और एक बड़ा बाउल राइस का, यू कैन सी दिस, ये पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी, और उसके बाद बचा हुआ मसाला भी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक और मिर्च ऐड किया है क्योंकि मुझे लगता है शेज़वान चटनी में ऑलरेडी गार्लिक होता है, बाकी सब चीज़ें होती है, तो कुछ और मसाले की आपको नीड नहीं रह जाती है। बाकी फिर भी आप चाहो
तो तेज मसाला डाल सकते हो, गरम मसाला डाल सकते हो, बिरयानी मसाला डाल सकते हो, पाव भाजी मसाला डाल सकते हो। मैं पाव भाजी मसाला प्रेफर करती हूँ फ्राइड राइस बनाते हुए जनरली, अगर शेजवान चटनी मेरे पास ना हो तो। ये देखिए गाइस, अच्छे से भुन चुके हैं मेरे प्याज टमाटर मटर, मटर भी गल गई है। थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर दूँगी, ये सूखा सूखा ना लगे कुछ पे। बिट ऑफ वाटर, जस्ट 20 ml अराउंड। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी, राइस ऐड कर दी है। अब मैं अपनी फ्लेम फिर से लो कर लूँगी और बचा हुआ नमक और मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है। आप चाहे तो इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं, बट फ्राइड राइस में जनरली रेड ही होते हैं तो मैं हल्दी नहीं डालूंगी। फ्राइड राइस में हल्दी डाल के मैं उनका लुक नहीं ख़राब कर सकती, हालांकि हल्दी अच्छी होती है सेहत के लिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। सो माय राइस इज ऑलमोस्ट रेडी, नाउ इट्स टाइम टू ऐड कोरिएंडर। जैसा कि मैंने कहा था मैं एंड में थोड़ा सा डालूंगी, तो मैंने डाल दिया। मेरे राइस तैयार हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू सर्व द राइस। ये बासमती राइस है लॉन्ग ग्रेन। ये बन गए मेरे सुपर हॉट फ्राइड राइस, टू फास्ट